फटाक 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड कीजिए ताकि आप होता तो पांच विधायकों की टिकट काट कर पांच नए चेहरे नहीं उतारने पड़ते आगरा पर। अब कहने की तो पूरे आगरे को पता है कि मेट्रो का शुरुआत कब हुआ है, दावा तो कुछ भी करते भैया आप। के दिखाती हैं लॉ एंड ऑर्डर बहन जी का ये क्या था, पूरे देश प्रदेश के अंदर आप सब जानते हैं। और आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है, आप देख रहे हैं इस सरकार में, यूपी की सरकार में देख रहे हैं बालिका के साथ क्या जघन्य अपराध हो रहे हैं। मनीषा कांड हथरस वाला जीता जाता उदाहरण है। बीजेपी ने बहुत चतुराई से खेल खेला और सबसे पहले जो समाजवादी पार्टी का एक प्रत्याशी थे डॉक्टर धर्मपाल सिंह और उनको तोड़ दिया और तोड़ने के बाद मिला लिया और प्रत्याशी बना दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में, मैं हूं कुमार अभिषेक और हमारी ये डिबेट पहुंच चुकी है आगरा। आगरा में हम मौजूद हैं और हम लोगों के साथ साथ जो राजनीतिक दल हैं उनसे पूछेंगे कि यूपी किसका होने जा रहा है, यानी कि उत्तर प्रदेश कौन जीत रहा है। हमारे साथ अलग अलग पार्टियों के मेहमान होंगे और हमारे आगरा के हमारे रिपोर्टर हमारे साथ होंगे। तो ये आप दृश्य देखिए, इस वक्त हम आगरा में हैं और आई लव आगरा ये जो पॉइंट है ये यहाँ का सेल्फी पॉइंट है। लोग यहाँ आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, ये एक ऐसी जगह है जिसे लोग एंजॉय करते हैं। लेकिन हमारे साथ जो मेहमान हैं, हम पहले उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ पवन आगरी हैं जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता राष्ट्रीय लोकदल के हैं, आरएलडी के, जो कि गठबंधन के तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। हमारे साथ नागेंद्र दुबे गामा हैं जो कि प्रदेश सह संयोजक हैं भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नगर निगम प्रकोष्ठ के। हमारे साथ बसपा से सुनील सिरोही हैं जो कि जिला संयोजक हैं और साथ साथ अरविंद शर्मा हैं जो कि आज तक के हमारे यहाँ के पत्रकार हैं, स्थानीय हमारे संवाददाता हैं। तो आप तमाम लोगों का स्वागत है। कौन जीत रहा है यूपी, हम इस बात की शुरुआत करते हैं, हम इस जगह पर खड़े हैं, है ना, ये बताइए कि जनता इस बार अगर आपको लगता है कि आपको वोट करने जा रही है गठबंधन को, तो कौन सी ऐसी वजह है कि आपको वोट दे जब बीजेपी की सारी सीटें। देखिए जिस जगह पर आप खड़े हुए हैं ये आई लव आगरा, ये अखिलेश यादव जी की देन है और आगरा के अंदर जो भी विकास किया है, चाहे मेट्रो जो परियोजना से लेकर और जितना भी आगरा में विकास किया है, ये हमारा जो गठबंधन के जो हमारे अखिलेश यादव जी हैं उनके माध्यम से हुआ है। और इस बार पूरी कोशिश की जा रही है भाजपा द्वारा इसको हिंदू मुस्लिम के रूप में तब्दील करने की, इसको मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर तब्दील करने की, क्योंकि उनके विकास के नाम पर उनके लिए कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए जनता इस बात को समझ चुकी है और वो वोट करने जा रही है हमारे 9 प्रत्याशियों को। तो गठबंधन को वोट करेगी? जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ जो भाजपा के प्रतिनिधि हैं, ये बताइए 9 की 9 सीटें बीजेपी को दी लोगों ने यहाँ की, लेकिन इस चुनाव में क्यों आपको वोट करे जनता? जनता इसलिए वोट देगी भारतीय जनता पार्टी की, 9 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है कि जो विकास हुआ है, जो पैसा आया है जिले के अंदर, वो साक्षात दिखाई दे रहा है। सामने आपकी मेट्रो बन रही है, बहुत सारे विकास मेट्रो पे तो दावा इनका भी है। अब कहने की तो पूरे आगरे को पता है कि मेट्रो का शुरुआत कब हुआ है, दावा तो कुछ भी करते भैया आप। तो 9 की 9 हम सीट रहे हैं, जात पात के हम विश्वास नहीं करते हैं, सबका साथ सबका विश्वास और सबके विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी मैदान में आई हुई है। मंदिर मस्जिद तक किया क्या है आपने इस 5 सालों में कि लोग आपको वोट करें? सिर्फ मेट्रो का दावा उनका। यदि इन्होंने कुछ किया होता तो पांच विधायकों की टिकट काट कर पांच नए चेहरे नहीं उतारने पड़ते आगरा पर। आप इसका जवाब दे दीजिए। टिकट काटना और न काटना पार्टी की नहीं, पहले ये बताइए आपने किया क्या है कि आपको लोग काम किए हैं। मेडिकल कॉलेज में उसको डेवलपमेंट किया गया, सुपर स्पेशलिस्ट किया गया है, तमाम सड़कें बनाई गई हैं, गांवों से जोड़ा गया है, बिजली जो पिछले सपा बसपा गवर्नमेंटों में नदावत होती थी, केवल उत्तर प्रदेश में 2 सभों में आती थी, 24 घंटे मुख्यालय पे, 20 घंटे ब्लॉक पे और 24 घंटे ब्लॉक मुख्यालय पे, 18 घंटे लगभग जो है देहातों में बिजली रहती है। इनके समय पर केवल पूरे प्रदेश में 2 जिलों में दिखाई देती थी। इसलिए आपको तक हर गांव में पानी पहुंचवा है, हर नल में पानी पहुंचवा है, हम आश्वासन दे रहे हैं प्रत्येक ये कोविड में, ये कोविड के मामले में फ्री राशन तो आप मार्च तक ही दे रहे हैं, मार्च तक ही दे रहे हैं राशन ना, पैकिंग हम हर एक गरीब जो उसके अंदर आते हैं उसको हम दे रहे हैं। हमारे साथ बसपा के भी जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं मौजूद हैं, जिला संयोजक हैं। सुनील जी, आपको जनता क्यों वोट करे? आप लोगों का तो गढ़ रहा है पुराना बसपा का, लेकिन पूरी सीटें बीजेपी के पास हैं, आपको क्यों जनता वोट? बहन जी का 2007 से लेकर 2012 के शासन को देखते हुए जो बहन जी कहती हैं वो करके दिखाती हैं। लॉ एंड ऑर्डर बहन जी का
ये क्या था पूरे देश प्रदेश के अंदर आप सब जानते हैं। और आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है, आप देख रहे हैं इस सरकार में, यूपी की सरकार में देख रहे हैं बालिका के साथ क्या जघन्य अपराध हो रहे हैं। मनीषा कांड हाथरस वाला जीता जाता उदाहरण है, नजदीक का मामला है। ये बात करते वोट की, ये किस बात पर वोट मांगेंगे जनता के सामने? 2017 का जो चुनाव हुआ बीजेपी मुद्दे को लेके गई, उन मुद्दों पर जनता के बीच में जाके वोट मांगे ना। लेकिन आप किस आपको क्यों वोट करें जनता? हमारे बहन जी के लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए, बहन जी के शासनकाल में जितने मेडिकल कॉलेज बने, जितनी यूनिवर्सिटियां बनी, जितने अस्पताल बने, जितनी जो बालिकाओं के लिए साइकिल उपलब्ध कराई, जितना काशीराम योजना में गरीबों को आवास उपलब्ध कराए, इसको देखते जनता वोट करी। और 2022 में पूर्व बहुमत की सरकार बहन जी बनाने का काम करी जनता। लेकिन चर्चा तो ये है कि लड़ाई गठबंधन और बीजेपी के बीच है और बीएसपी बिल्कुल कहीं मैदान में नहीं दिखती। ऐसा जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। चैनलों ने आज तक कभी 2007 में जब बसपा की सरकार बनी, जब भी चैनल को सिर्फ फाइट बनी दिखा रहे थे, जब भी पूर्व बहुमत की सरकार बनी थी हमारी, कौन कह रहा हम फाइट बनी है? हम बीएसपी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक वोटर, एक एक सपोर्टर पूरे तन मन धन से पूरे क्षेत्र में लगाओ जनता। हमारे साथ अरविंद शर्मा है जो की यहाँ के आज तक के रिपोर्टर है, बाकी जनता भी यहाँ मौजूद है, हम कई बार कुछ सवाल जनता से भी लेंगे। अरविंद जी, आपने सबके दावे सुन लिए, ये बताइए कि एक्चुअल स्थिति क्या है, इन तीनों के दावों में कितना दम? देखिए, बात हम शुरू करेंगे टिकट वितरण से पहले की। एक्चुअल में है क्या, आगरा के अंदर जो चुनाव था वो चुनाव बीजेपी के हाथ से निकल चुका था और वो गठबंधन की तरफ बढ़ गया था। लेकिन वो गठबंधन की तरफ बढ़ा था, लेकिन गठबंधन का कोई भी जो है उसमें जीत की स्थिति में नहीं था, सिर्फ सिवाय एक सीट पर, एतमादपुर वाली पर। बीजेपी ने बहुत चतुराई से खेल खेला और सबसे पहले जो समाजवादी पार्टी का एक प्रत्याशी थे डॉक्टर धर्मपाल सिंह, और उनको तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद मिला लिया और प्रत्याशी बना दिया। धर्मपाल सिंह राजबब्बर के आगरा के संसदीय क्षेत्र में उनका काम करते रहे, दयालबाग के अंदर, फतेहपुर सीकरी के अंदर उनका पर्सनल नेटवर्क है, और औसत मतलब इसको आप कह रहे हैं कि टिकट बंटवारे के बाद जो है माहौल अलग है, पहले का अलग है अभी का अलग है। सपा और सपा गठबंधन का माहौल उत्तर आगरा के अंदर खास तौर पर जो डिपेंड कर रहा था वो टिकट में प्रत्याशी किसे उतारेंगे उसे लेकर डिपेंड कर रहा था, लेकिन ये प्रत्याशी अपना सही नहीं उतार पाए हैं, संघर्ष में हैं, वोट मिल रहा है लेकिन अभी ये लीड नहीं ले पा रहे हैं। चलिए हम अब अपने हमारे जो लोग हैं उनसे पूछेंगे, ये बताइए आरएलडी तो बहुत मजबूत कभी रही नहीं, इक्की दुक्की सीटें कभी जीती नहीं, नहीं। आज आप चार चार सीटें जीतने की बात कह रहे, लड़ रहे हैं, कहां से जीतेंगे, कैसे जीतेंगे? मैं आपको बता दूं, आरएलडी हमारा बहुत मजबूत गढ़ रहा है आरएलडी का, और यहां पर हमारे फतेहपुर सीकरी सीट पर हमारे विधायक रहे हैं, जो आगरा ग्रामीण जो बोली जाती है दयालबाग सीट पर हमारे विधायक रहे हैं, खीरागढ़ से हमारा विधायक रहा है, और एतमादपुर से चंद्रमोहन मौर्य वहां से विधायक रहे हैं, जीपी पुष्कर विधायक रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हमारे विधायक रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों जो झूठ की जो राजनीति चली उसके तहत जो मतदाता खिसक गया था, जो जाट मतदाता, जाट अभी आपके साथ है, जाट खिसका है? बिल्कुल बिल्कुल, जाट मतदाता इस समय हमारे साथ पूरी तरह से है, और जिस तरह से किसानों के साथ अत्याचार हुआ और किसान लगातार आंदोलनरत रहे पूरे एक वर्ष तक, 700 किसानों ने जो शहादत दी, उस शहादत की जो आक्रोश है वो अब वोट में तब्दील होने जा रहा है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ये पूछ लेते हैं, ये बताइए, जाटों ने तो आपको खूब वोट दिए, इस बार आरएलडी ने चार चार उम्मीदवार, तीन तीन उम्मीदवार उतारे हैं, गठबंधन में हैं, आपको मिलेंगे जाट वोट? क्योंकि ये सब इलाके तो कहा जाता है कि ग्रामीण का 90% वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आरएलडी हमेशा प्रत्याशी उतारती रही है, हमेशा जमानत बचाना उनको मुश्किल पड़ जाता है। तो गठबंधन में है, पहले भी गठबंधन में लड़ते हैं, हमेशा गठबंधन में लड़े हैं, अकेले कभी नहीं लड़े हैं, ये गठबंधन में लड़ते हैं, जमानत मुश्किल हो जाती है बचानी। भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 आगे की जीत रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शुभा नहीं। चलिए, इस तरफ काफी लोग मौजूद हैं, आप लोग भी सुन रहे हैं इस डिबेट को, ये बताइए कि इनकी बातों में किसी को यकीन है? आप लोगों को कौन कौन जीत रहा है आप लोग के हिसाब से? बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी। क्यों? चलिए, कार नहीं देख रहे हैं, यही देख लीजिए पीछे, ये क्या है, ये सपा सरकार में पहले था क्या? कह तो रहे कि सपा सरकार का बनाया हुआ, सिर्फ उसे मॉडल बनाया, काम नहीं करके दिया, काम अब हो रहा है। आप 10 साल पहले कोई चीज बना के तैयार कर दी है पेपर पे और काम नहीं कराओ, उससे क्या फायदा होगा, ये बताइए। चलिए, कुछ और लोग हैं, आप लोगों को क्या लगता है, सबके दावे आपने सुने, किसका दावा मजबूत है? सपा का ही है। सपा का है जी। किस वजह से?
तो इस वजह से है क्योंकि बीजेपी है, वो ज्यादा काम तो दिख नहीं रहे हैं। और लॉकडाउन 2 साल से तो लॉकडाउन लगा हुआ है, क्या काम कर रहा है बताओ। बीमारी जहाँ अभी मेरी बात सुनो, एमपी में और जगह भी तो बीमारी है, यूपी में अब इलेक्शन होना। आप कह रहे हैं कि ये जो कोरोना आया उसकी वजह से लोग नाराज हैं, और क्या नाराज। आप लोगों को क्या लगता है इन लोगों ने जो दावे किए? सर मेरे ख्याल से तो बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने जमीन पे हकीकत में जो डेवलपमेंट करा है वो बीजेपी ने करा है। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि सरकार अगर बनती है तो उसकी उस शख्स की बननी चाहिए जो हमारे देश की तरक्की की बात करे, जो देश को पहला माने, हमारे लिए तो वही सबसे बड़ा। आप लोग यही सोचते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम ये चाहते हैं बीजेपी सरकार ही आए, और बीजेपी ही इस शासन प्रशासन काल के अंदर जो बीजेपी ने काम कर दिखाया है वो किसी सरकार में हमने नहीं देखा है। यहाँ बीजेपी के समर्थक ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, आप लोगों को क्या लगता है? कुछ लोग बोलने से बच रहे हैं, हम लोगों से ही पूछेंगे, लेकिन यहाँ आपसे मैं पूछूंगा। ये देखिए इधर जो लोग हैं वो तो बीजेपी बीजेपी कर रहे हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, और जिस तरह से बीजेपी ने महंगाई के मुद्दे पर मात खाई है, जिस तरह से किसानों को आक्रोशित किया है, आंदोलन रद्द किया है, आज यदि जिस तरह से वो बैकफुट पर बार बार जा रही है, अपने प्रत्याशियों को उन्होंने 5-5 प्रत्याशियों को भी चेंज किया है, तो उससे ये लग रहा है कि बीजेपी बहुत बुरी तरह से हताशा में है, और वो किसी भी कीमत पर 100 का आंकड़ा नहीं छू रही है। नहीं छू रही। हमारे साथ बसपा के जिला संयोजक मौजूद हैं, लोगों को सुन रहे हैं लोग, यहाँ बीजेपी बीजेपी कर रहे हैं, ये इनको पता थी पहले से, इन लोगों ने पहले ही इन लोगों को यहाँ पे बुला रखा था, ये भाजपा के समर्थक पहले बुला रखे थे, हमें कोई सूचना नहीं थी, हमने तो अपने आप ही यहाँ पे स्वयं सिंगल आए, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो आपको लगता है कि जो दावे यहाँ हो रहे हैं इसमें कोई दम नहीं? नहीं कोई दम नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि आप जनता ने देखा है कोरोना काल में आज बीजेपी जो रथ दिखा रही है प्रदेश के अंदर, अगर ये रथों की जगह दूसरी गाड़ी अगर जो फंसे थे मजदूर उनको लाते ना, उनके घर तक पहुंचाते, क्यों नहीं पहुंचा उनके घर तक वहां तक उनको? ये सब जो आज आवाजें सुनाई दी, या तो सपा या बीजेपी, बसपा तो कोई बोल ही नहीं रहा। अरे बसपा का हमें कोई सूचना ही नहीं थी, हम तो अभी अच्छा यहाँ पे लोग जो है लोग बुलाए होंगे, हमें तो पता नहीं, हमें होती हम भी अपने लोग बुला लेते। चलिए लोग बुला लेते। ये बताइए यहाँ पे जो लोग दिख रहे हैं, क्या ये बुलाए हुए लोग हैं, आपको लग रहा है कि नहीं ये पॉपुलर सेंटीमेंट? नहीं नहीं नहीं, ये बुलाए हुए लोग नहीं है, ये यहाँ पे घूमने फिरने आए हुए लोग हैं जो यहाँ पे अपनी अपनी बात कह रहे हैं। सबसे अहम बात ये है कि बीजेपी ने जिस माइन्यूट लेवल पे जाकर हर सीट का एनालिसिस किया कि कौन जीत सकता है, और उन्होंने उस प्रत्याशी को उतारा। देखिए बीजेपी कभी भी के दबाव में नहीं आती, लेकिन यहाँ पे फतेहपुर सीकरी है, बीजेपी से सांसद रहे चौधरी बाबूलाल, डंके की चोट पे कहते रहे चुनाव तो मैं लड़ूंगा, चुनाव तो मैं लड़ूंगा, पार्टी के अंदर कहते रहे चुनाव तो मैं लड़ूंगा, उनका सीधा सीधा कहना था आप टिकट दे दीजिए, आपसे लड़ूंगा नहीं तो मैं दूसरे से लड़ूंगा, और बीजेपी को उन्हें टिकट देनी पड़ी, क्योंकि फतेहपुर सीकरी के अंदर चुनाव जीतने के लिए अब की बार बाबूलाल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। चलिए लेकिन एक चीज हमको ये बताइए कि मुद्दे कुछ नहीं है क्या? सिर्फ जीत और हार का मुद्दा है, लड़ाई का मुद्दा है, कोई मुद्दे नहीं है? ये मुद्दों पर वोट नहीं होगा, मतदाता एक परसेप्शन में चल रहा है, मुद्दे सब पिछड़ चुके हैं, मुद्दा कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि आगरा के अंदर एयरपोर्ट जो आने की बातचीत थी वो जेवर चला गया, अब एक चीज सिर्फ बची है अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, और उसके बारे में किसी के पास कुछ है नहीं। दरअसल आगरा में हकीकत ये है पॉलिटिक्स की कि यहाँ पर किसी भी नेता को अगर पॉलिटिक्स करनी है तो उसे या तो बीजेपी से करनी पड़ेगी या बसपा से करनी पड़ेगी, जब तक कि उसके पास अपना कुछ नहीं हो। सपा बिल्कुल नहीं, सपा का सिर्फ अभी हाल फिलहाल में एक प्रत्याशी जीते थे जब इनकी सरकार बनी थी, और वो थे बाहा से महाराज के नाम से कहे जाते हैं, हरदमन सिंह है उनका नाम, वो जीते थे, उनका निजी प्रभाव बहुत है, वो हाथ भी नहीं जोड़ते हैं। तो अब गठबंधन, आपको लगता नहीं गठबंधन से अब आरएलडी उतरी है तो मजबूत होगी? दिक्कत यहाँ पे आ गई, फतेहपुर सीकरी में आरएलडी की स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन बाबूलाल आ गए वहां से, आगरा देहात से हेमलता दिवाकर की स्थिति बहुत खराब थी, और वहां पे दूसरा गठबंधन के प्रत्याशी जो थे वो कालीचरण थे जो बहुत मजबूत है, वहां पे कालीचरण को टिकट नहीं दी गई, बीजेपी ने हेमलता की टिकट काट दी और बेबी रानी को उतार दिया वहां से। चलिए एतमादपुर में अब मैं मुद्दों पर आता हूँ, ये बताइए कि यहाँ पे सब लोग कौन जीतेगा कौन हारेगा, कोई मुद्दे नहीं है क्या? लोग किसी बात पे गुस्से में नहीं है? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह से बीजेपी के पास, क्योंकि वो विकास का कोई काम कर नहीं पाए, सड़कों की आप हालत देख रहे हैं, गड्ढा मुक्त सड़कों की बातें योगी जी ने की, लेकिन वो इस तरह की हालात हैं कि अब सड़कों में अब हमें गड्ढों में सड़कें ढूंढनी पड़ रही हैं,
तो उनके पास ये मुद्दे हैं, आपको लग रहा है मुद्दे? जी जी बिल्कुल मुद्दे हैं। और सुनिए, जहां तक बिजली की बात, वो कह रहे थे कि हम ये बिजली उपलब्ध करा रहे हैं, आज बिजली 9.5 रुपए यूनिट जो लोगों को मिल रही है, लोग त्रायाम त्रायाम कर रहे हैं। और जिस तरह से 300 यूनिट बिजली फ्री का जो वादा जो किया है अखिलेश यादव जी ने, वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा इन गरीब तबके के लिए होने जा रहा है। जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने की बात है, जिस तरह से हमारे जनता से पूछ लेते हैं, जो 300 राष्ट्रीय लोकदल के जो मैनिफेस्टो के अंदर माननीय जयंत चौधरी जी ने 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात, महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप लोग पिछड़ रहे हैं, इन लोगों ने तो बाकायदा बिजली का ऐलान कर दिया है 300 यूनिट जनता से। नमक तेल होगा ना बाधा नाचेगी, 300 यूनिट कहाँ से? सरकार नहीं बनाएंगे इसलिए ये 300 यूनिट बिजली नहीं देंगे, यही ना जुमला है। मुख्यमंत्री बाबा योगी नाथ ने साफ साफ कह दिया है कि किसानों का जो है, किसानों का हम आधे मुफ्त देंगे। अरे बिजली दे रहे हैं मुफ्त किसानों की सिंचाई का, बाकी जो आना नहीं है कुछ भी आप कहते भाई। लोगों से पूछ लेते हैं, ये बता, आटा लेके डोल ले भाई साहब। क्या चीज क्या है? आटा लेके डोल ले, खाने के लिए नहीं है। फ्री राशन आपको नहीं मिल रहा? नहीं 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 मिल रहा है। राशन कार्ड नहीं मिल रहा? राशन कार्ड नहीं है। अच्छा ये बताइए, 300 यूनिट जो बिजली की बात अखिलेश यादव ने कही है, उससे कितने लोग सहमत हैं कि वो मिलेगा? सब लोग मिलेगा, जो बोलते हैं वो करते हैं। अखिलेश जी बोलते हैं वो करते हैं, बीजेपी वाले झूठे बोलते हैं, जुमलाई करते हैं। जो लोग झूठे हैं झूठे। आप लोगों को क्या लगता है, ये 300 यादव जी अपने सेपई में जमीन है उसे बेच के सबको देंगे? ये हमारे पैसे से हमें फ्री देंगे, मतलब सबको फ्री दे देंगे, फिर वो आएगा कहाँ से? आएगा कहाँ से सबको फ्री दे देंगे? तो 300 बिजली दे देंगे तो कहाँ से आएगा? अरे 300 यूनिट आज कहाँ से रही है? 300 यूनिट आज कहाँ से रही है? हमारे पैसों से आ रही है। फ्री तो मिलेगा ना, जनता को फ्री तो क्या फायदा होगा उसका? फायदा बताओ, किसको फायदा होगा 300 यूनिट लेने से? ये बता दो आम आदमी, आप वहाँ ले जाके खड़े कर दोगे, कल को वो आदमी आदि आदि हो जाएगा। अखिलेश यादव ने लड़कियों को विद्या कन्यादान दिया, इस भाजपा सरकार ने दिया, लैपटॉप दिया, पढ़ने वालों को बीजेपी सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना। चलिए, जनता की ये बातचीत आपने सुनी, आपके सबके अपने अपने दावे हैं। अब हम आखिरी तौर पर सबसे कमेंट ले रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कितनी सीटें आ रही है? आगरे की 9 सीट जीत रहे हैं, उत्तर प्रदेश 3 सबसे ज्यादा जीत रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कितनी सीटें? देखिए, आगरा के अंदर जो हमारा गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, इस बार पूरा जातीय गणित को आधार बनाकर ये इनको टिकटें दी गई हैं और कई नए चेहरों को भी टिकटें दी गई हैं। अप्रत्याशित परिणाम, चौंकाने वाले परिणाम आ रहे हैं और हम 300 से ज्यादा सीटों पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। गठबंधन भी 300 से ज्यादा के दावे कर रहे हैं। आप बताइए, बसपा को कितनी सीटें आगरा में आ रही है और कितनी सीटें आप लोग को लग रही है? आगरा में बसपा की 9 सीटें हम जीतेंगे और जिस दिन काउंटिंग हो उस दिन आप देख लेना, ये जनता भी खड़ी होगी, आप भी होंगे और हम भी होंगे। हम पूर्ण बहुमत की सरकार, हम ये नहीं कहते 400 ला रहे हैं या 350 ला रहे हैं, लेकिन हम पूर्ण देश के अंदर बनाने जा रहे हैं। चलिए, तो अब हम आखिरी कमेंट के तौर पर पूछते हैं, सबके दावों में आपने सुन भी लिए, लोगों के भी यहाँ पे आपने सुन लिए, आपके हिसाब से क्या है स्थिति यहाँ पर? ये देखिए, आगरा देहात में अभी बीजेपी जो है कुछ पीछे चल रही है। फतेहाबाद के अंदर बहुत उहापोह की स्थिति है, क्योंकि छोटेलाल वर्मा ने एक जाति को लेकर के बयान दिया था, भाषण दिया था और वो वीडियो वायरल हो गया, तो उस जाति के लोग नाराज हो गए। बीजेपी उनको सेट करने में लगी हुई है, किसी तरीके से वो जाति सेट हो जाए, लेकिन सपा ने खेल खेल दिया, वहां से रूपाली दीक्षित को उतार दिया मैदान में। तो ये जो 2 सीटें हैं इसके अंदर अभी बीजेपी सॉलिड स्थिति में नहीं आ पाई, लेकिन और सीटों के ऊपर जीत हार तो बाद में तय होगा, लेकिन थोड़ा ऐसा लग रहा है कि एज ले रही है। तो हमारे साथ तमाम लोग थे और सब लोगों के साथ साथ सबने अपनी राय रखी। बीजेपी और समाजवादी पार्टी 300 से ज्यादा के दावे कर रही है, साथ साथ बसपा भी कह रही है कि कंफर्टेबल मेजोरिटी उन्हें आएगी, और जो लोग हैं इनकी राय बिल्कुल बटी हुई है अखिलेश यादव और बाबा योगी आदित्यनाथ के बीच में। अब चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो मतदान के समय तय होगा, लेकिन एक बात है, सबके अपने अपने दावे हैं। हम इस वक्त आगरा में थे और हमारा ये चुनावी यात्रा मथुरा पहुंचेगी और हम तब आपको दिखाएंगे कि वहां यूपी किसका होने जा रहा है।